तो नूरजहां जी कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? बिल देता है हम लाइट के। मैं इनसे पूछ रहा हूँ अभी आपके पास आऊंगा क्या? अच्छा वैसे क्या क्या नहीं आपका? लाइट पानी है यहाँ पे? लाइट पानी कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो? सुनो सुनो, अरे तो आप ऐसे कहाँ के रहने वाली हैं? क्या क्या टाइम के तो काम काम क्या क्या होता है आपको यहाँ पे? ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से जनजाति के घर यहाँ पे हैं और बिल्कुल घने जंगलों के बीच में आप देख सकते हैं। ये देखिए इनके गाय जानवर और ऑलमोस्ट 50 से 60 फैमिलीज यहाँ पे हैं। कुल मिला के देखें तो इस तरह से देखिए, ये पूरे के पूरे देखिए आप, पूरे के पूरे देखें, पूरी जनजाति यहाँ पे बसी हुई है। और आई थिंक मुझे इधर चलना चाहिए क्योंकि दिन का टाइम है, काफ़ी लोग अभी आराम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे गुज्जर परिवार काफ़ी सारे हैं जो इस तरह से घने जंगल में रहते हैं। इस जनजाति की ये खासियत है कि ये बेचारे जंगल में रहते हैं और इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे एक बहन दिख रही है मेरे को, आइए उनसे बात करते हैं। और भाई सब लोग भी यहाँ पे हैं। और भैया कैसे हो? नमस्कार जी। और बहन क्या नाम आपका? हैं नूर। अरे नूर, अच्छा अच्छा कौन सा नूर जहाँ होगा ना? हाँ पूरा नाम बताओ ना अपना। तो नूर जहाँ जी कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? मैं इनसे पूछ रहा अभी हैं, अभी आपके पास आऊँगा। क्या हुआ? अंदर चलो अंदर। हाँ अच्छा नूर जहाँ जी बताओ कब से रह रहे हो यहाँ पे आप? बताओ 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 ना, हैं शर्मा के रहे हो आप? मैं शर्मा, मैं सबको पूछूंगा, सबके पास जाऊंगा अभी। अच्छा क्या क्या नहीं आपका? लाइट पानी है यहाँ पे? ना। लाइट पानी कुछ नहीं है ना। तो कैसे जीवन काटते हो यहाँ पे बिना लाइट पानी के? ऐसे ऐसे कैसे? वो मंदिर से पास ही लाता है पानी, वहाँ से लाते पानी देते हैं पानी वो? हाँ कभी देता कभी नहीं देता। तो आप मना देते क्यों नहीं? कभी कभी बिल्कुल नहीं देते, मना करते हैं। हाँ, का बिल देता है, है? बिल देता है हम लाइट के, लाइट का बिल देते हैं। वहाँ से मोटर से चलता होगा पानी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका आपकी शादी वादी हो गई? हाँ। कितने बच्चे आपके? दो लड़की एक लड़की। वो आपके पति थे? हाँ। अच्छा अच्छा, एक लड़का एक लड़की है आपके? तो क्या आप पढ़ने वढ़ने जाते हैं लोग? ना अभी कुछ नहीं जाते, छोटे हैं अभी, अभी छोटे छोटे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे कहाँ के रहने वाली हैं? मतलब आपका ससुराल होगा ना ये? हाँ। ससुराल होगा ना आपके? मायका कहाँ है आपका? हरिद्वार। अच्छा 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 अच्छा, हरिद्वार नहीं गया मैं, उधर भानीवाल तक तो मैं जा रखा गुजरों के पास, हरिद्वार में चिड़ियापुर में। चिड़ियापुर में तो वहाँ जाते रहते हो आप? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जैसे जंगल में रहते हो तो टाइम मतलब कैसे कटता है आपकी जिंदगी यहाँ पे? क्या क्या टाइम के तब काम काम क्या क्या होता है आपको यहाँ पे? तो बहुत शर्मा रही है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आया हूँ एक जनजाति के पास और उन जनजाति को यानी इस ट्राइब को एक्सप्लोर करने आया हूँ। और आई होप कि मेरे आप वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे जिस तरह से मैं ट्राइब्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और मेरा एम भी यही है कि इस तरह से मैं काफ़ी ऐसे लोगों की लाइफ को आपके सामने लेके आऊँ जो कि मजबूर हैं और जिनकी स्टोरी कोई भी बयान नहीं करता, तो क्यों ना उनकी स्टोरी मैं अपने तरीके से अपने चैनल के माध्यम से आपको बयान करूँ। ये देखिए इस तरह से उनके कैटल्स पशु लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए छप्पर सा बना रखा है हल्का सा। ये देखिए इस तरह से रह रहे हैं लोग। यहाँ पे एक दूसरा घर है, ये देखिए। हेलो भैया, आप तो भैया आप कैसे कैसे यहाँ पे जिंदगी कट रही है आपकी? भाई हमारी जिंदगी ऐसे कटती है, जंगलों में भैंस चुकाते हैं। हाँ। और भैंसों के साथ जाते हैं जंगल मंदिर। अच्छा। सुबह जाते हैं 10-11 बजे जाते हैं रोड पे। अच्छा। उनके लिए फिर घास लाते हैं काट के, चारा वगैरह। भैया थोड़ा तेज बोलना है। चारा भी लाते हैं। हाँ। तो जंगल से घास लाते हैं काट के, पत्ती पुती। अच्छा। सुबह शाम दो निकालते हैं, बस यही काम है अपना, इसी में
टाइम पास हो जाता है, इसमें टाइम पास हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो बच्चे आपके दो हैं जी, तो दो ही बच्चे अच्छे हैं फिर आगे भी कुछ नहीं? दो ही बच्चे चाहिए। दो ही बच्चे अच्छे हैं ना, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि आप, आपकी उम्र क्या होगी भाई? हमारी बगला को 26 साल। 26 साल, आप जवान हो ना अभी, तभी तो बोल रहा हूँ। आप जो नए जो लोग आ रहे हैं उनकी सोच अच्छी। बहन इधर बैठो, अपने पति के साथ तो बैठ सकती हो, आ जाओ। तो जो जवान बच्चे आ रहे हैं, जैसे आप यंग हो अभी, यंग मतलब जवान हुआ अभी, तो जो जवान लोग आ रहे हैं उनकी सोच बहुत अच्छी है ये मुझे लगता है। जैसे आप दो बच्चे वाली बात है, क्योंकि मैं काफी सारे परिवार में जाता हूँ ना, जैसे कि 8 बच्चे, किसके 6 बच्चे। अब होता क्या है, देखो अगर आपके पास इतनी इनकम है, पैसा कमा रहे हो, तो कोई समस्या नहीं है पालने में। अब पैसा है नहीं और 4-4 बच्चे हों तो दिक्कत है ना, है ना। तो आपको मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ऐसा सिस्टम किया। एक लड़का है, लड़की है आपकी, तो उसको दिक्कत भी नहीं है अब तो। एक लड़का, मायके वायके जाते हो आप यहाँ से? हाँ जाते हैं। कितने कितने टाइम में जाते हो? 6 महीने में एक बार जाते हैं। अच्छा, आपकी शादी कितने साल में हो गई थी? पति की शादी सर मारी। आपकी शादी कितने टाइम में होगी भैया, कितने साल में? हमारी शादी हो गई थी लगभग 20 साल। 20 साल में ये कितनी करेंगी उस टाइम? 19 साल की होंगी। अच्छा, तो भैया शादी वादी का क्या कल्चर है आपको, मतलब कल्चर समझते हो आप? क्या सिस्टम, कैसे करते हो आप शादी, क्या नियम रीति रिवाज क्या होते हैं आपके शादी के? रीति रिवाज जैसे हमारी दूसरी जात है, उनकी दूसरी जात में शादी करते हैं। क्या जात है आपकी? जैसे हमारी जात है जाट। अच्छा, उनकी दूसरी जात में चेची हो गए। जैसे उनकी क्या जात है? उनकी मैसी। मैसी जी। अच्छा, आप में भी जात पात होती है? हाँ जी। आप जाट हो जी? अच्छा, आप जाट मुस्लिम हो आप? हाँ जी। क्या नाम, क्या लिखते हो आप पूरा? हमारा नाम यामीन है, यामीन। आगे? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन जी। और जाट तुम्हारी जात है जी? अच्छा, और वो मैसी है जी। तो आपका जैसे जाट जाट में रिश्ता हो जाता है ना? अच्छा, अलग ही में होगा रिश्ता। अच्छा अच्छा, भैया ये बताओ, जो दूसरे गुज्जर होते हैं ना, जो गुज्जर यूपी साइड होते हैं जी, मुजफ्फरनगर, हाँ, वो उनका, उनके बारे में क्या सोचते हो आप? तो हिंदू गुज्जर को मुस्लिम गुज्जर। हाँ जी, वो हिंदू गुज्जर है जी, आप मुस्लिम गुज्जर हो जी। शरीक होके हम दूसरे को देखते हैं, जैसे वो हमारे साथ मिलकर कहें तो हम बहुत अच्छा मानते हैं लोग हमारे को। हाँ, हम भी उनसे बढ़िया रहते हैं, बढ़िया बातचीत है। गुज्जर भाई इकट्ठे हो जैसे, वो भी गुज्जर ही आपके गुज्जर है जी, बट आप वन गुज्जर बन गए जी, वो गुज्जर बन गए जी। तो आपका मेल मिलना होता है उनसे कभी? हाँ जी, बहुत बार होता है, कई बार आते हैं इधर घूमने, उनसे बातचीत होती रहती है। अच्छा, मदद भी करते हैं कुछ है? मदद भी करते हैं? नहीं नहीं, मदद कुछ। अच्छा, मिलने मिलने आते हैं ऐसे, भाई भाई समझ के? हाँ जी। अच्छा, आ रहा हूँ। तो आज का काम हो गया आपका, गाय भैंसों का जी है, हो गया आपका काम? आप 2-3 बजे दूध निकाले, 3-3.5 बजे। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद चुकने जाके भैंस नदी में नीचे। अच्छा, चुका कर शाम को 8-9 बजे आते हैं, रात को ले तब आते हैं, फिर खाना खुना उन्हें चारा चूरा देकर खाना खुना खास हो जाते हैं, सो जाते हैं। बाकी यार भाई, जैसे लोग फिल्में देखने जाते हैं हॉल में, पिक्चर हॉलों में, आप कभी जाते हो? नहीं सर, हम कभी नहीं गए आज तक, गए ही नहीं। क्यों? हम तो अपने फोन में देखते हैं पिक्चर वक्चर बस। जब फोन नहीं थे, फोन तो अब है। पहले क्या करते थे? नहीं जाते पहले, ऐसे बस रेडियो रेडियो सुन लिया बस। अच्छा, तो गीत वीत आते हैं आपको अपने गुज्जरी? नहीं जी, हमारे को नहीं आते। मुझे उन्होंने बताया कि वो बड़े बढ़िया गीत गाते हैं कि गुज्जरी। किसने कहा? काफी लोग बोल रहे थे इधर ऊपर जाओगे बढ़िया गीत गाते हैं। नहीं, मेरे को क्योंकि मैं गुज्जरों के पास गया तो कई लोगों ने मुझे गुज्जरी गाने सुनाए। पढ़ते हैं ना गुज्जरी गाने? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते पढ़ के सुनाए। आपको आता है कुछ? नहीं, मेरे को नहीं आता, भाई है वो अभी है नहीं। अभी बोलते हैं। अच्छा, आपका किचन है जी, रसोई जी, और वहाँ पे रहने का आपका जी? अच्छा 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 अच्छा, ये सीख है। और ये भी लो भैया जी, क्या नाम भैया आपका? शमशेर। शमशेर भाई, शमशेर भाई कैसे चल रहे जीवन? ऐसे चल रहा सर, धक्के के साथ है, धक्के के साथ चल रहा, धक्के लगा के चल रहा। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ तो 47 से पहले। 47 से पहले परमिट लेते रहते 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 हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे अपने परिवार में 10-12 लोग। 10-12 लोग हैं। आपका घर कौन सा है? अच्छा अच्छा, तो आप कहीं जा रहे हो काम पे? गाय खोर के चले जा रहे। अच्छा, गाय खोने जा रहे, चलो जाओ काम पे जाओ। तो फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे गुज्जर परिवार है। और तो फ्रेंड, इस तरह से देखिए, ये बेचारे लोग जंगल में रह रहे हैं भाई। इनका कहना है यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा है, और सांप तो होंगे ही यार, क्योंकि सांप नहीं होंगे तो क्या होंगे यहाँ पे जंगल में। ये देखिए इस तरह से गाय भैंस बकरियाँ इस तरह से सब है इनके पास यहाँ पे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम भाइयों से मिले, इन बहनों से मिले, और इनके घर की स्थिति जानी हमने। देखिए, जंगल में रहता है, इनका कहना है कि यहाँ पे सांप बहुत आते हैं। अब जंगल है तो सांप तो आएंगे भैया, हैं जंगल में रहते हैं, तो उनका भी घर यही है, आपका भी घर यही है। तो काम यही कि आप दोनों को साथ में ही रहना है ना, एक दूसरे के साथ ही रहना है। और अच्छा लगा यहाँ पे, अब अभी दिन का टाइम है तो काफ़ी लोग सो रखे हैं, तो उतने बातें नहीं हो पा रही यहाँ पे।
बाकी यहाँ पे अच्छा लगा मेरे को आके, एटलीस्ट यहाँ पे सोलर लाइट तो दे रखी भी आपको ना इन्होंने रोज पे, ये चलती है ना पूरी अच्छे से। हाँ तो लाइट वाइट दे रखी, आपको दिखाता हूँ इस तरह से यहाँ पे लाइट वाइट उनको दे रखी है। ये देखिए सोलर लाइट है, ये सोलर से ऊपर प्लेट लगी हुई है, लाइट है। और भैया एक ही लाइट है यहाँ पे उधर? अच्छा ये देखिए इस तरह से। तो ये लाइट भैया किसने दी आपको? ये पार्सल सरवाल ने दी। चलो बढ़िया किया उन्होंने यार, लाइट तो दी। वोट वोट तो देते हैं आप? हाँ जी। तो करना तो चाहिए उनको आपकी हेल्प, है ना जी? सही बात है। और आपके भाई कहाँ हैं इनके पति? भाई बैंक में जा रखे हैं। बैंक में जा रखे हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो फ्रेंड जैसे आपने देखा मैं इस फैमिली के पास आया, इस जनजाति के पास आया, उनकी मैंने लाइफ को एक्सप्लोर किया और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब मैं इस ट्राइब के पास आता हूँ। मैं बहुत सारी ट्राइब को एक्सप्लोर करता हूँ और काफ़ी सारे इशू उठाते रहता हूँ जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए चेंज भी लाए और आपको भी एक रियलिटी चेक मिलेगी किस तरह से लोग, किस परिस्थिति में लोग रह रहे हैं। तो उस तरह से मैं रिगार्डिंग सारी वीडियो लाता रहता हूँ। तो अब मैं बताऊँ कि मुझे जैसे फैमिली के पास में आया, तो मैं जब इन फैमिली के पास जाता हूँ तो किसी का स्तर तो बहुत नीचे है, किसी का स्तर कुछ मीडियम है और किसी का स्तर काफ़ी हाई, मतलब उनके लेवल से काफ़ी हाई है। मतलब आप कहूँ जैसे किसी के पास पानी है, बिजली है, किसी के पास होता क्या, किसी फैमिली के पास पानी तो है, किसी के पास बिजली नहीं है, किसी के पास बिजली है तो पानी नहीं है, और किसी के पास सब कुछ है तो घर नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है मेरा कि आपको दिखाना चाहता हूँ मैं स्ट्रगल, कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है, हम लोग कितनी छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पर, मतलब बहुत ही क्या होता हूँ, बहुत ही तुच्छ बातें मैं कह सकता हूँ, पानी नहीं आया है, खाने में नमक ज़्यादा है, या फिर बिजली चली गई, या फ़ोन चार्ज नहीं है, या फिर जैम है, ट्रैफिक जैम है, उन बातों में बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही अपना मतलब अपना सब कुछ खो देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब मैं इनके पास आता हूँ देखता हूँ कि कुछ लोग इतने अभी लोग ऐसे हैं, मतलब ये देखो एक मानव की एक अडेप्टेशन ही है जो उनको इतनी शक्ति देती है कि किस तरह से प्रकृति में रिझना है, प्रकृति को एक्सेप्ट करना है। और उनकी कोई शिकायत भी नहीं होती है, है ना, उनकी बस ये शिकायत होती है लाइट नहीं है, पानी बिजली नहीं, लाइफ से जो उनकी शिकायत है ना वो कुछ नहीं है कि भाई ऊपर आने हमको ऐसे लाइफ क्यों दिया, कि हमको ऐसे जन्म क्यों दिया। काफ़ी समय होता है ना, हम काफ़ी टाइम होता है हम बोलते हैं यार भगवान हमको क्यों अमेरिका में पैदा क्यों नहीं किया, इंग्लैंड में पैदा क्यों नहीं किया, रशिया में पैदा क्यों नहीं किया। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं, इनका कहना खाली कि हम बहुत खुश हैं, बस हमको चाहिए थोड़ा कुछ जो बेसिक राइट्स हैं वो हमको चाहिए, वो इनको चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा यू नो मुझे बहुत सीखने को मिलता है इस फैमिली में आके किस तरह से लोग रहते हैं और कैसे उनकी जीवन परिस्थिति है। तो ये एक सीखने वाली बात है, तो आप भी प्लीज इसको सीखिएगा। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरे ये आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं खाली आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस भाई का इस वीडियो को शेयर करते हैं तो भाई ये बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि आप ही मुझे इस लाइक बना सकते हैं कि मैं इन जैसे लोगों की मदद कर पाऊँ। बस आप बस मेरी खाली एक ही मदद करिए कि मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और मुझे इस लायक आप बना दीजिए, मैं इन जैसे हज़ारों लोगों की अरमान पूरी कर पाऊँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ। अब वो होगा सिर्फ और सिर्फ जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।